किड्स स्पेशल एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है इस पर एक तरह से पहले भी इस यूनिवर्स के अंदर कई मूवीज देखने को मिल चुकी है अब नई दो हजार चौबीस में एक मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है वुडी वुड एक तरह से कैपर गोस टू द कैम्प जी हाँ दोस्तों ये जो मूवी है हमें नेटफ्लिक्स द्वारा देखने को मिलने वाली है और किड्स इस स्पेशल इसे बनाया गया है तो आज इसी एक तरह से मूवी के बारे में आपको सारे कुछ जानकारी बताऊंगा जैसे कि प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग इसके रिव्यू के बारे में आपको

जो इसी नाम के कार्टून चरित्र पर आधारित है और यूनिवर्सल एनिमेशन स्टूडियो के साथ सह निर्माण में यूनिवर्सल 1440 एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित की गई है दो यह फिल्म 2017 की लाइव एक्शन बटा एनिमेटेड फिल्म वुडी वुडपेकर की अगली कड़ी है और स्टीफन मजूर और कोरी एडवर्ड्स द्वारा लिखी गई है और जॉन कुलपर द्वारा निर्मित है तीन यह फिल्म 12 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी परिसर जंगल से बाहर निकाले जाने के बाद वुडी सोचता है कि उसे कैंप वुहू में हमेशा के लिए एक घर मिल गया है जब तक कि एक इंस्पेक्टर ने कैंप को बंद करने की धमकी नहीं दी तीन कास्ट करें वुडी वुडपेकर के रूप में एरिक बाउजा बस बजर के रूप में केविन माइकल रिचर्डसन चार वैली वालरस के रूप में टॉम केनी मैरी लुईस पार्कर मैगी के रूप में क्लोडी लॉस सैंटोस जोश लॉसन एस्तेर बेटा गुलाब के रूप में इवान स्टैन होप गस के रूप में जॉर्ज होलाहन कैंटवेल ऑर्सन के रूप में मिकी के रूप में केर्शॉन थियोडोर उत्पादन 2021 में यूनिवर्सल पिक्चर्स और यूनिवर्सल 1440 एंटरटेनमेंट ने 2017 हजार सत्रह वुडी वुडपेकर फिल्म के सीक्वल की घोषणा की फिल्म की शूटिंग सितंबर से दिसंबर 2021 तक मेलबर्न और विक्टोरिया के क्षेत्रीय क्षेत्रों में की गई थी पांच छ फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 12 अप्रैल 2024 को नेटफ़्लिक्स पर रिलीज होगी सात कोरी एडवर्ड्स जन्म 21 अगस्त 1968 एक अमेरिकी फ़िल्म निर्देशक पटकथा लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन्हें संभवतः हुविंक्र 2005 में निर्देशन सह लेखन और आवाज अभिनय के लिए और 2011 के सीक्वल हुडविंक्र 2 में लेखन और आवाज अभिनय के लिए जाना जाता है बनाम बुराई वह पटकथा लेखक बटा निर्देशक तौर एडवर्ड्स और फिल्म निर्माता केटी हुटेन के बड़े भाई हैं माता पिता जेम्स एल एडवर्ड्स कोरी एडवर्ड्स के पिता केटरिन ओहियो में एक मंत्री के बेटे के रूप में बड़े हुए और उन्नीस में एंडरसन विश्वविद्यालय से कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक दो पूरे कॉलेज में जेम्स ने जेसी में काम किया पेनी ने परिसर में विभिन्न नौकरियां की और एक छोटे चर्च में संगीत मंत्री के रूप में कार्य किया तीन स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र भर्ती निदेशक के रूप में नौकरी की जो 1970 में एंडरसन स्कूल ऑफ थियोलॉजी से मास्टर ऑफ डिविनिटी हासिल करने तक उनके पास रही एक दो कोरी एडवर्ड्स की मां डियाना मोंटेथ स्प्रिंगफील्ड ओहियो में पली बढ़ी जहां उन्होंने बिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में अंशकालिक कक्षाओं में भाग लेने के दौरान एक कानून कार्यालय में काम किया उन्होंने जेम्स के समान सेमेस्टर के दौरान एंडरसन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अपने जूनियर वर्ष के बाद उन्नीस में उन्होंने शादी कर ली चार तीन डीना ने बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री के साथ प्राथमिक शिक्षा में डिग्री हासिल करके अपनी पढ़ाई जारी रखी चार वह और जेम्स ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन चले गए जहां जेम्स ने पासाडेना पार्क चर्च ऑफ गॉड में पादरी के रूप में काम किया दो पांच कोरी के छोटे भाई टॉड का जन्म उन्नीस में वहीं हुआ था एक साल बाद परिवार एंडरसन के पास लौट आया और जेम्स ने विश्वविद्यालय में काम फिर से शुरू कर दिया उन्होंने 1975 तक चर्च और पूर्व छात्र संबंधों का निर्देशन किया जिसके बाद वे सभी कोलंबस, ओहियो चले गए जेम्स ने अगले 15 वर्षों तक मीडो पार्क चर्च ऑफ गॉड के वरिष्ठ पादरी के रूप में कार्य किया और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया जहां उन्नीस में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की शैक्षिक नीति और नेतृत्व में दो सात डीना ने सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में एक शिक्षक के रूप में काम किया चार एक पादरी और एंडरसन विश्वविद्यालय में अपने काम के अलावा जेम्स ने चर्च ऑफ गॉड के प्रकाशन गृह वार्नर प्रेस में अध्यक्ष और सीईओ के पद भी संभाले साथ जेम्स और डीना अपने संगीत करियर के शुरुआती दिनों से ही गॉस्पेल संगीत गायक बिल और ग्लोरिया गैदर को जानते हैं गैथर्स का बेटा बेंजी कोरी और उसके भाई बहनों का बचपन का दोस्त था और अक्सर उनकी फिल्मों में उनके साथ सहयोग करता था आठ उन्नीस में उनके पिता एंडरसन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गए दो एंडरसन के पास वापस जाने पर दीना ने अल्टरनेटिव्स इंक में बच्चों के कार्यक्रम निदेशक का पद संभाला जो एक संगठन है जो घरेलू संकट में महिलाओं और बच्चों के साथ काम करता है हालांकि वह अब संगठन में इस पद पर नहीं है वह वर्तमान में बोर्ड की सदस्य हैं चार नौ प्रारंभिक जीवन कोरी एडवर्ड्स का जन्म 21 अगस्त उन्नीस को एंडरसन इंडियाना में जेम्स एल एडवर्ड्स और डीना मोंटेट के घर हुआ था दस एक कोरी टॉड और उनकी छोटी बहन केटी ने कम उम्र से ही कला में रुचि दिखाई वे कठपुतली शो और नाटक प्रस्तुत करते थे और अपने स्वयं के रेडियो शो बनाने के लिए एक टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते थे एक नवंबर 2012 हज़ार बारह कोरी लगभग सात या आठ साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने परिवार के सुपर आठ वीडियो कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू किया तेरा उनकी पहली फिल्म जिसका संक्षिप्त नाम मूवी स्टफ था में कोई कथानक नहीं था और यह उनके लिए केवल कैमरे का उपयोग करना सीखने और विशेष प्रभावों को आज़माने का एक मौका था जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा उन्होंने कई अलग अलग शैलियों में फिल्में बनाईं जिनमें कैप्टन लाइटनिंग नामक एक सुपरहीरो फिल्म जिसे कोरी द्वारा निर्देशित किया गया था एक लॉरेल और हार्डी प्रकार की कॉमेडी जिसका नाम क्राइम डोंट पे था जिसे टॉर द्वारा निर्देशित किया गया था और एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जो जैक फ्रांसिस्को नाम के एक चरित्र पर केंद्रित है जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी फिल्में और अधिक विस्तृत होती गईं। जिन्हें पूरा करने में अक्सर महीनों लग जाते थे शॉर्ट्स की स्टोरी बोर्डिंग सर इस शुरुआत करके वे अपने स्वयं के सेट लघुचित्र और पोशाकें बनाते थे पड़ोस के बच्चे अतिरिक्त कलाकार के रूप में शामिल हुए और फिल्मांकन के बाद ध्वनि और विशेष प्रभाव जोड़े गए एक तेरह स्कूल में कोरी आमतौर पर क्लास प्रोजेक्ट्स के लिए फिल्मों में काम करते थे और कभी कभी उनके साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी जीतते थे चौदह एंडरसन विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान कोरी और टॉड ने ऑन कैंपस कॉमेडी शो चीप थ्रिल्स के लिए निर्देशक के रूप में काम किया आठ कोरी ने अपने ग्रीष्मकाल के दौरान ओहियो में एक एनिमेशन स्टूडियो में इंटर्नशिप की और 1990 में ब्रॉडकास्टिंग में एक प्रमुख और कला में एक माइनर के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक चौदह कैरियर उन्नीस के दशक की शुरुआत में उन्होंने आईएनएसपी नेटवर्क पर एक ईसाई संगीत वीडियो शो सिग्नल एक्सचेंज की मेजबानी की कोरी एडवर्ड्स ने अपने भाई टॉड की उन्नीस की फिल्म चिलिकोथे में अभिनय किया निजी निवेशक मॉरिस कंबर ने फिल्म का आनंद लिया और अंत समकालीन शैली में बताई गई एक एनिमेटेड परी कथा बनाने के लिए उन्हें वित्त देने की पेशकश की उन्होंने 2003 में डायरेक्ट टू वीडियो ईसाई लघु फिल्म के बोबोट्स क्रिसमस का निर्देशन किया 15 कोरी टॉड और उनके दोस्त टोनी लीच ने पुलिस जांच के संदर्भ में बताई गई लिटिल रेड राइडिंग हूर की एक फिल्म बनाने का फैसला किया हालांकि एक बार जब उनकी फिल्म पूरी हो गई तो मॉरिस कंबर इसे वितरित करने की वित्तीय स्थिति में नहीं थे इसलिए वह इसे नवगठित विनस्टीन कंपनी में ले गए जो फिल्म खरीदने के लिए सहमत हो गई फिल्म का शीर्षक हुडविंकड़ पुरस्कार पर विचार के लिए पात्र होने के लिए 2005 के अंत में रिलीज किया गया था और फिर जनवरी 2006 में व्यापक रिलीज प्राप्त हुई सोलह हुडविंग्रह इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली सत्रह और इसने दुनिया भर में कुल एक सौ दस शून्य एक एक सौ की कमाई की जिससे यह अपने छोटे बजट के कारण सफल रही अठारह एडवर्ड्स ने अपने हुडविंक के साथ हुडविंक टू बनाम एविल का सह लेखन किया सह निर्माता और सह लेखक टोनी लीच और टॉड एडवर्ड्स हुडविंकर की औसत समीक्षाओं के बावजूद जिम हेंसन कंपनी के कई लोगों ने फिल्म का आनंद लिया उन्होंने द डार्क क्रिस्टल की अगली कड़ी के लिए स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की संभावना के बारे में कोरी से बात करना शुरू कर दिया हालांकि इसके बजाय वे इस बात पर सहमत हुए कि वह फ्रैगर रॉक का एक फीचर लेंथ संस्करण लिखेंगे और निर्देशित करेंगे एडवर्ड्स एस्केप फ्रॉम प्लैनेट अर्थ के सहलेखक हैं जो टोनी लीच द्वारा निर्देशित एक एनिमेटेड एलियन एडवेंचर है जो ब्रायन इनरफील्ड जॉन शेस्टैक एड जोन्स प्रेस्टन स्टूट्समैन और ग्रेग लिटिल द्वारा निर्मित है और फरवरी 2013 में द विनस्टीन कंपनी द्वारा जारी किया गया है एडवर्ड्स ने 2013 से हिट ईसाई बच्चों की श्रृंखला वेजिटेल्स साथ ही इसके रिबूट द वेजिटेल्स शो के कई एपिसोड का सह लेखन किया है जिसमें द लिटिल हाउस दैट स्टूड मेरी लैरी एंड द लाइट ऑफ क्रिसमस वेजीज शामिल हैं अंतरिक्ष में द फेनेल फ्रंटियर ब्यूटी एंड द बीट और नोहा एडवर्ड्स ने वेब सीरीज रोजर कॉस्मोन की बनाई जिसे पहली ट्विटर श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया है 19 वह शटअप पर इंटरनेट कार्टून श्रृंखला क्रोगजिला के निर्माता और स्टार भी हैं कार्टून हुडविंकड़ के एक प्रशंसक द्वारा पूछे जाने पर क्या वह एंजेल स्टूडियोज को एक परियोजना पेश करना चाहेंगे एडवर्ड्स ने टिप्पणी की कि वह बहुत रुचि रखते थे हालांकि उन्होंने कहा कि स्टूडियो की परियोजना को मंजूरी देने के पीछे की जटिल प्रक्रिया के कारण यह आसान नहीं होगा बीस हालांकि एडवर्ड्स ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने ड्राई बार कॉमेडी स्पेशल में स्टैंड अप प्रदर्शन करके कंपनी के साथ सहयोग किया है और वह वर्तमान में द विंग सागा के एनिमेटेड टेलीविजन रूपांतरण के लिए, लिए लिख रहे हैं 21. व्यक्तिगत जीवन कोरी एडवर्ड्स एक ईसाई हैं और बेल एयर प्रेसबिटेरियन चर्च में जाते हैं जहां वह उनके नाटक विभाग के सदस्य हैं बुडी वुडपेकर एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइज है जो मूल रूप से 1940 में लघु फिल्म नॉक नॉक की रिलीज के साथ शुरू हुई थी फ्रेंचाइजी वाल्टर लैंड्स द्वारा बनाई गई थी और वाल्टर लैंड्स प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई थी फ्रेंचाइजी वुडी वुडपेकर और उसके दोस्तों जैसे विनी वुडपेकर बस बजर्ड जैसे दुश्मनों और अन्य पात्रों के विनोदी कारनामों और बातचीत के इर्द गिर्द घूमती है। कहानियां वुडी की चुटीली और अक्सर अराजक शरारतों समस्याओं को हल करने के उनके प्रयासों और एंडी पांडा चिली विली विनी वुडपेकर नॉटहेड स्प्लिंटर बजबजड और अन्य जैसे अन्य पात्रों के साथ उनकी बातचीत के इर्द गिर्द घूमती हैं इतिहास वुडी वुडपेकर एक अमेरिकी एनिमेटर और कार्टूनिस्ट वाल्टर लांट्स द्वारा बनाया गया था उन्होंने 1940 में लघु फिल्म वुडी वुडपेकर में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की वुडी की लोकप्रियता बढ़ी और वह जल्द ही अपने आप में एक स्टार बन गए वह कई एनिमेटेड शॉर्ट्स में दिखाई दिए अक्सर खुद को हास्यप्रद और अराजक स्थितियों में पाते थे लैंड्स प्रोडक्शंस ने 1940 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ एक समझौता किया जिसने यूनिवर्सल को वुडी कार्टून वितरित करने की अनुमति दी उन्नीस में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने वुडी वुडपेकर और लैंड्स प्रोडक्शंस के अधिकार हासिल कर लिए और इसे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया तब से यूनिवर्सल ने वुडी का उपयोग जारी रखा है और थीम पार्कों में भी वुडी का उपयोग किया है वुडी वुडपेकर का टेलीविजन बटा फिल्म में इतना प्रतिनिधित्व नहीं है लेकिन अन्य में अधिक है जैसे कि यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क या मर्चेंडाइजिंग में यूनिवर्सल ने तब से नए रूपांतरण तैयार किए हैं जिनमें टेलीविजन श्रृंखला और 2017 में रिलीज एक लाइव एक्शन बटा सीजीआई हाइब्रिड फिल्म शामिल है लघु फिल्में वुडी वुडपेकर फिल्मोग्राफी की सूची एनिमेटेड श्रृंखला शीर्षक रिलीज की तारीख वुडी वुडपेकर शो 3 अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तावन द न्यू वुडी वुडपेकर शो 8 मई उन्नीस सौ निन्यानवे 3 तीन दिसंबर 2018 हजार अठारह फिल्में शीर्षक रिलीज की तारीख वुडी वुडपेकर पांच अक्टूबर दो हजार सत्रह वुडी कटफोरवा शिविर में जाता है एक फरवरी दो हजार बारह अप्रैल दो हजार चौबीस वीडियो गेम शीर्षक रिलीज की तारीख पागल महल वुडी वुडपेकर की निराश छुट्टियां अक्टूबर उन्नीस सौ छियानवे वुडी वुडपेकर रेसिंग 22 नवंबर 2000। वुडी वुडपेकर बसबजड पार्क से बट चौदह अगस्त 2001 यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क एडवेंचर सात दिसंबर 2001 यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क फ्रीडमैन थिएटर में खुलने वाला था मार्क ब्रोको के निर्देशन में डेविड मोर्स ने सह अभिनय किया इस प्रोडक्शन ने उन्नीस के मूल प्रोडक्शन से पारकर मोर्स और ब्रोको को एकजुट किया कोविड उन्नीस महामारी के कारण इस प्रोडक्शन को मैनहट्टन थिएटर क्लब के 2021-22 सीजन के लिए स्थगित कर दिया गया था दो छः दो शून्य दो तीन में पार्कर ड्रेक मिलिगन के साथ देशी संगीत जोड़ी द के गीत होंकी टोनकिन अबाउट के संगीत वीडियो में दिखाई दिए सत्ताईस उन्होंने ब्रॉडवे पर एडम रैप नाटक द साउंड इनसाइड एट स्टूडियो चौवन में चौदह सितंबर 2019 से शुरू होने वाले पूर्वावलोकन में अभिनय किया आधिकारिक तौर पर सत्रह अक्टूबर को उन्होंने विलियम्स टाउन थिएटर फेस्टिवल में जून से जुलाई 2018 में नाटक के विश्व प्रीमियर में प्रदर्शन किया 22 तेईस 24 सितंबर 2021 में उन्होंने ब्रॉडवे रन के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता 25 पार्कर ने मैनहट्टन थिएटर क्लब द्वारा ऑफ ब्रॉडवे निर्मित साइमन स्टीफेंस हाइजेनबर्ग के नाटक में अभिनय किया मार्क ब्रोका द्वारा निर्देशित यह नाटक 2 जून 2015 को शुरू हुआ 18 नाटक ने अपना प्रदर्शन बढ़ाया और 11 जुलाई 2015 को बंद हुआ उन्नीस नाटक को सैमुअल जे फ्रीडमैन थिएटर में ब्रॉडवे में स्थानांतरित कर दिया गया पूर्वावलोकन शुरू होने के साथ 20 सितंबर 2016 को आधिकारिक तौर पर 13 अक्टूबर को उद्घाटन होगा जिसमें पार्कर और डेनिस अरंट अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे बीस इक्कीस पार्कर ने फिल्म रेड में ब्रूस विलिस के साथ अभिनय किया जो इसी नाम की कॉमिक बुक मिनिस्ट्रीज का रूपांतरण था यह फिल्म 15 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी एक पांच दो शून्य एक एक में पार्कर पीबीएस वित्तचित्र श्रृंखला इंडिपेंडेंट लेंस के दसवें सीजन के मेजबान बने एक दो शून्य एक तीन में उन्होंने रेड दो और आरआईपीडी दोनों में भूमिकाएं निभाईं वह 24 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2013 तक सैमुअल जे फ्रीडमैन थिएटर में ब्रॉडवे मैनहट्टन थिएटर क्लब के नाटक दस्नो गीज के शार द्वारा प्रस्तुत नाटक में दिखाई दी डैनियल जे फिल्म 2006 में लॉसन ने बॉयटाउन में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की 2012 की ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडी फिल्म एनी क्वेश्चन फॉर बेन में उनकी मुख्य भूमिका थी वर्किंग डॉग प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित पांच वह 2012 की कॉमेडी फिल्म द कैंपेन के साथ साथ एंकरमैन दो द लीजेंड कंटिन्यूज और क्रेव में विल फेरेल और जैक गैलिफियानाकिस के साथ भी दिखाई दिए उनका फीचर निर्देशन डेब्यू द दे लिटिल डेथ जिसे उन्होंने लिखा और इसमें अभिनय भी किया 2014 में रिलीज हुई थी लॉसन को 2018 में द इलेवन ओ क्लॉक के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था एक लघु फिल्म जिसमें उन्होंने लिखा और अभिनय किया था 6. 2018 में लॉसन ने सीबीएस श्रृंखला हियर कम्स द नेबरहुड बाद में द नेबरहुड के लिए कॉमेडी पायलट में डेव जॉनसन की भूमिका निभाई लेकिन नेटवर्क द्वारा श्रृंखला को चुने जाने से पहले उनकी जगह अभिनेता मैक्स ग्रीनफील्ड ने ले ली अगस्त 2019 में लॉसन को मॉर्टल कॉम्बैट रीबूट में कानों के रूप में लिया गया था सात अन्य कार्य 2006 और 2007 के दौरान लॉसन ऑस्ट्रेलियाई रेडियो कॉमेडी शो गेट दिस में नियमित अतिथि सह मेज़बान थे जो ट्रिपल एम पर प्रसारित होता था 2013 में उन्होंने कार्टून हैंगओवर लघु फिल्म रॉकेट डॉग में बॉब की भूमिका को आवाज दी आठ एरिक बाउजा जन्म 7 दिसंबर उन्नीस सौ उनासी एक दो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक कनाडाई मूल के आवाज अभिनेता हैं उन्हें कई लूनी ट्यून्स पात्रों को आवाज देने के लिए जाना जाता है जिसके लिए उन्होंने लूनी ट्यून्स कार्टून और बग्स बनी बिल्डर्स में अपने प्रदर्शन के लिए दो एमी पुरस्कार जीते अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में द फेयरली ऑड पेरेंट्स में फूप और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में टाइगर क्लॉ शामिल हैं प्रारंभिक जीवन बाउजा का जन्म 7 दिसंबर उन्नीस को टोरंटो ओंटारियो में हुआ था और वह मूल के हैं तीन चार उनके पिता और दादा लूनी ट्यून्स जैसे क्लासिक कार्टून के प्रशंसक थे पांच उन्होंने कहा कि बड़े होने के दौरान मिस्टर ड्रेसअप को देखने से उनके रचनात्मक पक्ष को प्रेरणा मिली बाउजा शो के मेजबान के साथ चित्र बनाते थे जब वह इसे देख रहा होता था बाउज़ा का जन्म और पालन पोषण स्कारबोरो के टोरंटो उपनगर में हुआ था उन्होंने उन्नीस सौ तिरानवे से उन्नीस सौ छियानवे तक स्कारबोरो में कार्डिनल न्यूमैन कैथोलिक हाई स्कूल अब सेंट जॉन हेनरी न्यूमैन में पढ़ाई की उन्होंने 2000 में सेंटेनियल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तीन सात कैरियर बाउजा ने अपने कॉलेज के तीसरे वर्ष के दौरान स्पुम्को में एक प्रशिक्षु के रूप में एनिमेशन में अपना करियर शुरू किया और बाद में वीकेंड पुसी हंट और द रिपिंग फ्रेंड्स में प्रोडक्शन असिस्टेंट बन गए जो उनकी पहली आवाज अभिनय भूमिका थी साथ बाउजा एल टाइगरे द एडवेंचर्स ऑफ मैनी रिवेरा द फेयरली पेरेंट्स रेन एंड स्टिम्पी एडल्ट पार्टी कार्टून कोकोनट फ्रेंड्स फ्रूट सलाद आईलैंड जी जो रेसोल्यूट और हीरो 108 में दिखाई दिए हैं उन्होंने बर्गर किंग द्वारा प्रायोजित एक वेब सीरीज द किंग एंड अस में भी कई भूमिकाएं निभाई हैं और उन्हें फॉक्स के प्री गेम शो के दौरान एनएफएल पर देखा गया था बाउजा एडल्ट स्विम सीरीज सुपर जेल में लॉर्ड स्टिंगरे की आवाज है द लूनी ट्यून्स शो में मार्विन द मार्टियन और बेन दस ओमनिवर्स पर डॉक्टर साइकोबोस वह एनिमेटेड वेब श्रृंखला डिक फिगर्स के एपिसोड में भी दिखाई दिए जहां उन्होंने चायदानी के जिन्न वलकर मॉलसांता और निंजा को आवाज दी वह डिक फिगर्स द मूवी के मुख्य प्रतिपक्षी लॉर्ड ताकागामी की आवाज भी रहे हैं उन्होंने ब्रेडविनर्स में ब्यूहड्यूस और नेटफ्लिक्स के द एडवेंचर्स ऑफ पुस इन बूट्स और संबंधित मीडिया में शीर्षक चरित्र की भूमिका निभाई बाउजा ने लॉस एंजल्स में लाफ फैक्ट्री में स्टैंड अप कॉमेडी का प्रदर्शन किया है आठ बाउजा ने बक्स बन्नी डैफी डक ट्वीटी, मार्विन द मार्टियन और वुडी वुडपेकर जैसे पात्रों को आवाज दी है लूनी ट्यून्स कार्टून्स में अपनी भूमिका के लिए बाउजा ने एनिमेटेड कार्यक्रम में उत्कृष्ट आवाज प्रदर्शन के लिए पहला चिल्ड्रन एंड फैमिली एमी पुरस्कार जीता उन्होंने बैटल टोस के 2020 संस्करण में रैश को भी आवाज दी 9 9-10 बाउज़ा कुछ समय के लिए द लेट नाइट शो टू नाइट पर देर रात के टॉक शो होस्ट थे तेईस मार्च 2021 को बाउजा एबीसी गेम शो टू टेल द ट्रूथ में दिखाई दिए और अपनी लूनी ट्यून्स आवाज में प्रदर्शन किया बारह तेरह 2022 में उन्होंने सीबीसी जेम के लिए कार्टून के सांस्कृतिक प्रभाव पर छह भाग वाली वृत्तचित्र श्रृंखला स्टे टूनड की मेजबानी की चौदह 2023 में बाउज़ा रिबूट शो टाइनी टून्स यूनिवर्सिटी में बस्तर बनी की नई आवाज बन गई जे जॉनस्टन की गोलीबारी के बाद वह शो के चौदहवें सीजन के लिए बॉब बर्गर पर जिमी पेस्टो के लिए आवाज़ अभिनेता बन गए बॉब के बर्गर में भी बाउजा ने रॉबर्ट बिग बॉब बेल्चर सीनियर को आवाज दी थी जिन्हें पहले चरित्र की अंतिम दो प्रस्तुतियों में एच जॉन बेंजामिन और बिल हैडर ने आवाज दी थी फिल्मोग्राफी फिल्म फिल्मों में आवाज प्रदर्शन की सूची वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2005 हजार धूर्त गिलहरी दोस्त चूहा गेराल्ड रायली के रूप में लघु फिल्म 2006 हजार ईट की दीवार के साथ बादल और समय चिकित्सक 2009 हजार नौ एल्विन एंड द चिपमसक दस क्वीकवेल खान में काम करने वाला पंद्रह 2010 हजार दस डीसी सुपर फ्रेंड्स फ्लैश मिस्टर फ्रीज पंद्रह 2010 हजार दस जाओ रिकी स्क्रोटम को बताओ दांतों का डॉक्टर 2012 हजार पेरिस में एक बिल्ली डोम कुत्ते का मालिक पंद्रह 2013 आयरन मैन राइज ऑफ टेक्नोवोर ईजे की जेके स्टेन डायरेक्ट टू वीडियो 15 स्कूबी डू मंच भय के जे शरारती सूची बड़े भाई एल्फ पाइन कोन पंद्रह दिक फिगर्स द मूवी भगवान ताकागामी 2014 एवेंजर्स कॉन्फिडेंशियल ब्लैक विडो और पुनिशर अमाडेस जो डायरेक्ट टू वीडियो पंद्रह बैटमैन अर्खम पर हमला सुरक्षा गार्ड स्कूबी डू फ्रैंकन खौफनाक डेफोमैटिक रॉक ड्यूड एक बहुत ही अजीब गर्मी फूप टेलीविजन फिल्म जीवन की किताब फादर डोमिंगो गुफा संरक्षक पंद्रह 2015 हजार पंद्रह स्कूबी डू चंद्रमा राक्षस पागलपन क्लार्क स्पार्कमैन पंद्रह डायरेक्ट टू वीडियो फ्लिंट स्टोन्स और डब्ल्यू डब्ल्यू ई स्टोन एज स्मैकडाउन बम बम रबल दिनो हॉपी सोलह बैटमैन अनलिमिटेड एनिमल इंस्टिंट पंक एक रूकी कॉप पंद्रह जब मारनी वहां थी मारनी के पिता सत्रह अंग्रेजी डब दस बॉब मूवी स्पंज आउट ऑफ वॉटर गंगा चिल्ली टॉम एंड जेरी स्पाइकवेस्ट डॉ बेंटन क्वेस्ट पंद्रह केविन माइकल रिचर्डसन जन्म पच्चीस अक्टूबर उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता हैं अपनी विशिष्ट गहरी आवाज के लिए जाने जाने वाले उन्होंने ज्यादातर एनिमेशन और वीडियो गेम में खलनायक पात्रों को आवाज दी है फिल्म में रिचर्डसन ने मॉर्टल कोम्बैट उन्नीस सौ पंचानबे में गोरो को आवाज दी और मॉटल कॉम्बैट लीजेंट्स स्कॉर्पियन रिवेंज दो हजार बीस लिलो एंड स्टिच फ्रेंचाइज में कैप्टन गंटू द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी में केमेक ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम से बल्क हेड और मैं दोबारा अभिनय किया द मैट्रिक्स रिवोल्यूशंस दो हजार तीन में डेस एक्स माचिना उन्होंने सेठ मैकफरलेन के शो फैमिली गाय द क्लीव लैंड शो और अमेरिकन डैड में पात्रों को आवाज भी दी है साथ ही द सिंपसंस और फ्यूचरामा पर कई पात्र रिचर्डसन को टीन टाइटन्स और टीन टाइटन्स गो दोनों में ट्रिगॉन मैमथ और सी मोर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो में अंतौरी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल 2012 में ओरोको साकी बटा श्रेडर स्काईलैंडर्स वीडियो गेम श्रृंखला में स्टंप स्मैश और ट्री रेक्स एफ इस फॉर फैमिली में रोजी द फ्लिंट स्टोन्स ऑन द रॉक्स में बार्नी रबल मॉलर ट्विंस और मॉन्स्टर गर्ल इनवेंसिबल में और चेयरमैन ड्रेक वीडियो गेम रैचेट एंड क्लैंक में द बैटमैन दो शून्य शून्य चार दो शून्य शून्य आठ में जोकर को आवाज देने के लिए उन्हें दो डे टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए प्रारंभिक जीवन आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं मार्च 2023 रिचर्डसन का जन्म 25 अक्टूबर उन्नीस को न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में हुआ था एक उन्होंने 1988 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय से थिएटर में ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की दो तीन कैरियर एक जीवित व्यक्ति की यह जीवनी एक ही स्रोत पर निर्भर करती है आप इस लेख में विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद कर सकते हैं जीवित लोगों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए दिसंबर 2021 जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है 2010 में रिचर्डसन रिचर्डसन ने अपने लाइव एक्शन अभिनय करियर की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में की जहां उन्होंने विज्ञापनों में प्रदर्शन किया उनकी पहली पेशेवर अभिनय नौकरी एटी विज्ञापन में थी उन्हें अक्सर टेलीविजन विज्ञापनों के लिए आवाज के रूप में काम पर रखा जाता था बाद में वह लॉस एंजिल्स चले गए अपनी गहरी और सशक्त आवाज के कारण उन्होंने आमतौर पर खलनायक चरित्रों को चित्रित किया है उन्नीस में उन्हें द मास्क के एनिमेटेड टेलीविजन संस्करण में मेयर टिल्टन के रूप में अपनी पहली आवाज वाली भूमिका मिली इसके अतिरिक्त अपने करिए की शुरुआत में वह जॉन हाउसमैन द्वारा निर्देशित एक पीबीएस विशेष में दिखाई दिए रिचर्डसन के अन्य क्रेडिट में लिलो एंड स्टिच और इसकी फ्रेंचाइजी में कैप्टन गंटू चाउडर पायलटमेश्नेट्जेल और बाद में जॉन डिमैगियो द्वारा प्रतिस्थापित किया गया मॉटल कोम्बैट में गोरो डैनी फैंटम पर स्कुलकर की दूसरी आवाज बाल्डर्स गेट श्रृंखला में सारे वोक शामिल हैं स्टार वार्स नाइट्स ऑफ दी ओल्ड रिपब्लिक में जोली बिंदो क्रैश बैंडिकूट गेम्स में क्रंच बैंडिकूट एल्डर स्क्रॉल्स ऑनलाइन एमएमओआरपीजी सीरीज में साई सहन, हेलो दो से टार्ट्रस रैचेट एंड क्लैंक में चेयरमैन रेक सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो में एंटोरी क्वीर डक से ओपनली गेटोर द प्राउड फैमिली पर डॉक्टर पायने और अन्य द फेयरली ऑड पेरेंट्स पर डार्क लेजर द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर से मॉरिस सेड्रिक द एंटरटेनर की जगह लूनाटिक्स अनलिशेड पर स्लैम तस्मानियन और टेकी कोयोट और आवाज 1990 के दशक की एनिमेटेड श्रृंखला रोड रोवर्स में निर्वासन की दस पैकेक्यूलर स्पाइडर मैन में टॉम्बस्टोन की आवाज के रूप में रिचर्डसन ने कीथ डेविड की जगह ली उन्होंने आइसविंड डेल हार्ट ऑफ विंटर और आइसविंड डेल टू के लिए एक चरित्र आवाज सेट प्रदान किया वह प्लेस्टेशन दो गेम सोल कैलीबोर टू में हे हाची की आवाज थे हालांकि उन्हें विक्टर स्टोन की भूमिका में सूचीबद्ध किया गया है उन्होंने स्काईलैंडर्स स्वैप फोर्स स्काईलैंडर्स ट्रैप टीम और स्कायर्स सुपरचार्जर्स में स्टंप स्मैश और ट्री रेक्स को भी आवाज दी 2001 में रिचर्डसन ने एनिमेटेड फिल्म द फ्लिंट स्टोन्स ऑन द रॉक्स में बार्नी रब्बल को आवाज दी 2004 में वह जोकर का किरदार निभाने वाले पहले अश्वेत अभिनेता बन गए उन्होंने एनिमेटेड सीरीज द बैटमैन में इस किरदार को आवाज दी इस भूमिका के लिए उन्हें एनिमेटेड कार्यक्रम में उत्कृष्ट कलाकार के लिए डेटाइम एमी अवार्ड के लिए दो बार नामांकित किया गया था 2005 में उन्होंने एनिमेटेड सीरीज टीम टाइटन्स में ट्रिगॉन को आवाज दी और कीथ सजार बचका से यह भूमिका ली 2006 में वह कॉमेडी क्लर्क में दिखाई दिए जिसमें उन्होंने एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई जो राडल ग्रेव्स के वर्क जैकेट के पीछे लिखे शब्दों पोर्च मंकी चार लाइफ को नोटिस करता है उन्होंने द लीजेंड ऑफ स्पायरो गेम सीरीज के बड़े ड्रैगन टेराडोर को भी आवाज दी 2008 में उन्होंने वुल्वरिन और एक्समैन के लिए बिशप की आवाज प्रस्तुत की बाद में उन्होंने द सुपर हीरो स्क्वाड शो में निक फ्यूरी की आवाज दी उन्होंने 2004 में निक्लोडियन के अवतार द लास्ट बेंडर में टायरों को आवाज भी दी रिचर्डसन अक्सर हास्य अभिनेता बिल कॉस्बी पर आधारित किरदार निभाते हैं जैसे फैमिली गाय ब्रायन डूज हॉलीवुड द बोन्डॉक्स पर स्वयं कॉस्बी के रूप में और नंबो पांच के पिता श्री लिंकन कोडनेम किड्स नेक्स्ट डोर पर कॉस्बी को श्रद्धांजलि फैमिली गाय में उनकी सबसे लगातार भूमिका लुइस के पूर्व प्रेमी जेरोम की है वह क्लीवलैंड शो में क्लीवलैंड ब्राउन जूनियर लेस्टर क्रिंकलेसैक और कई अन्य लोगों की आवाज भी थे वह वर्तमान में अमेरिकन डैड पर प्रिंसिपल ब्रायन लुइस को आवाज देते हैं और द सिंपसंस में हैरी शेरर की जगह लेने वाले डॉ हिबर्ट की वर्तमान आवाज हैं 2011 में उनकी आवाज़ भूमिकाओं में थंडर कैट्स श्रृंखला में पैंथ्रो यंग जस्टिस पर मार्टियन मैनहंटर और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ऑटोबोट्स में से एक बल्कहेड शामिल थे उन्होंने ग्रीन लैंटर्न राइज ऑफ द मैनहंटर्स लाइव एक्शन फिल्म ग्रीन लैंटर्न के वीडियो गेम सीक्वल में किलोवोक की भूमिका निभाई और बाद में ग्रीन लैंटर्न द एनिमेटेड सीरीज़ और यंग जस्टिस में भूमिका दोहराई उन्हें 2012 में बिहाइंड द वॉयस एक्टर्स द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वॉयस एक्टर के लिए नामांकित किया गया था चार और 2013 में पांच सितंबर 2013 में उन्होंने कार्टून नेटवर्क शो अंकल ग्रैंडपा में मिस्टर गस की आवाज दी 2015 में उन्होंने द सिंपसन एपिसोड द प्रिंसेस गाइड में एक नाइजीरियाई राजा की आवाज दी बाद में उन्होंने टायलर पेरी की पहली एनिमेटेड फिल्म मैडिया स्टफ लव में जज माइकल्स की आवाज़ दी 2021 में उन्होंने द बॉस बेबी बैक इन बिजनेस 2018 में जिम्बो की आवाज़ दी जो 2017 की फिल्म द बॉस बेबी की अगली कड़ी है व्यक्तिगत जीवन रिचर्डसन अपनी पत्नी मोनिका के साथ लॉस एंजल्स में रहते हैं जिनसे उन्होंने 2006 में शादी की थी छह सात वह पिछली शादी से हुए उनके दो बेटों के सौतेले पिता हैं सात फिल्मोग्राफी मुख्य लेख केविन माइकल रिचर्डसन फिल्मोग्राफी संदर्भ उन्नीस का दशक पार्कर ने ग्रांड कैनियन उन्नीस में केविन क्लाइन के साथ अभिनय किया फ्राइड ग्रीन टोमाटोज उन्नीस सौ इक्यानवे में कैथी बेट्स मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन और जेसिका टैंडी के साथ द क्लाइंट उन्नीस सौ चौरानवे में सुजैन सारंडन और टॉमिली जोन्स के साथ बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे उन्नीस सौ चौरानवे में जॉन क्यूसैक के साथ और बॉयज ऑन द साइड उन्नीस सौ पंचानवे में ड्रू बैरी और भूपी गोल्डबर्ग के साथ एड्स से पीड़ित एक महिला की भूमिका निभाई पार्कर की अगली भूमिका क्रेग लुकास के एक अन्य नाटक रेकलेस उन्नीस के फिल्म रूपांतरण में थी जिसमें मियाँ फैरो थी उसके बाद जेन कैंपियन की द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी उन्नीस थी जिसमें निकोल किडमैन विगो मोर्टेंसन, क्रिस्टियन बेल ने भी अभिनय किया था जॉन मेलकोविच को विच और बार बरा इसके अलावा वह टिम हंटर की द मेकर उन्नीस सौ सत्तानवे में मैथ्यू मोडाइन के साथ दिखाई दी उन्नीस सौ निन्यानवे में पार्कर पार्कर का थिएटर करियर तब जारी रहा जब वह डेविड मोर्स के साथ पाउला वोगेल की उन्नीस सौ सत्तानवे की महत्वपूर्ण हिट हाउ आई लर्न टू ड्राइव में ऑफ ब्रॉडवे में दिखाई दी। साथ उन्हें अपने अभिनय के लिए उन्नीस सौ सत्तानवे ल्यूसी लोटेल पुरस्कार उत्कृष्ट अभिनेत्री और उन्नीस सौ सत्तानवे ओबी पुरस्कार प्रदर्शन प्राप्त हुआ आठ उन्नीस सौ नब्बे के दशक के अंत में वह कई स्वतंत्र फिल्मों में दिखाई दी जिनमें लेट द दे डेविल वियर ब्लैक और द फाइव सेंसेट शामिल हैं उन्होंने उन्नीस की फिल्म द सिंपल लाइफ ऑफ नोआ डियरबॉर्न में सिडनी पोइटियर के साथ अभिनय किया दो शून्य 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 दो शून्य शून्य तीन दो हजार से दो हजार एक तक पार्कर ने ऑफ ब्रॉडवे और ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में नाटक प्रूफ में अभिनय किया और बाद में नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता सात दिसंबर दो हजार तीन को एचबीओ ने माइक निकोल्स द्वारा निर्देशित टोनी कुश्नर के प्रशंसित ब्रॉडवे नाटक एंजल्स इन अमेरिका का साढ़े छह घंटे का रूपांतरण प्रसारित किया पार्कर ने हारपर पिट मॉर्मन वैलियम एक गुप्त वकील की आदि पत्नी की भूमिका निभाई अपने प्रदर्शन के लिए पार्कर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड और प्राइटाइम एमी अवार्ड मिला नौ दोनों लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दो शून्य शून्य चार दो शून्य शून्य छः दो हज़ार चार में पार्कर कॉमेडी सेव्ड में दिखाई दिए और मिरेकल रन नामक एक टेलीविज़न फिल्म जो ऑटिज्म से पीड़ित दो बेटों की मां की सच्ची कहानी पर आधारित है साथ ही ब्रॉडवे पर क्रेग लुकास के रेकलेस में मुख्य भूमिका में दिखाई देती है मार्क ब्रोको द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन ने पार्कर को 2005 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए एक और नामांकन दिलाया 10 नवंबर 2005 में पार्कर बोस्टन विश्वविद्यालय में एक करियर प्रदर्शनी का विषय थी जहां उनके करियर की यादगार चीजें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को दान कर दी गईं। 2006 में पार्कर को वीस में उनकी मुख्य भूमिका के लिए हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिला उस श्रेणी में उसने डेस्परेट हाउसवाइफ्स के चार प्रमुखों को हराया उन्होंने यह पुरस्कार दिवंगत जॉन स्पेंसर को समर्पित किया जो द वेस्ट विन मेलियो मैक के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पार्कर ने कहा मैं वास्तव में मारिजुआना को वैध बनाने के पक्ष में हूं मुझे नहीं लगता कि यह उतना विवादास्पद है ग्यारह 2007 वर्तमान मार्च 2007 में पार्कर ने टेलीविजन फिल्म द रॉबर ब्राइड में मुख्य भूमिका निभाई इसके बाद उन्होंने एंड्रयू डोमिनिक की फिल्म द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड में जेरेल्डा मिम्स की भूमिका निभाई जो सितंबर 2007 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई पार्कर ब्रैड पिट केसी एफलेक सैम रॉकवेल और गैरेट दिलाहंट के साथ दिखाई दिए अगस्त दो में पार्कर ने वीड्स के तीसरे सीजन में अपनी भूमिका जारी रखी थॉमस जेम्स केनी जन्म 13 जुलाई उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं उन्नीस से उन्होंने स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट्स और संबंधित मीडिया में मुख्य किरदार को आवाज दी है केनी ने कई अन्य पात्रों को आवाज दी है जिनमें रॉको मॉडर्न लाइफ में हेफर वोल्फ एडवेंचर टाइम में आइस किंग और इसके स्पिन ऑफ फियोना और केक द पावर पफ गर्ल्स में नैरेटर और मेयर जॉनी ब्रावो में कार्ल कैट कैटडॉग में डॉग हैंक और जेरेमी शामिल हैं टॉकिंग टॉम एंड फ्रेंड्स में डीसी कॉमिक्स पर आधारित विभिन्न एनिम एटेड मीडिया में पेंगुइन और स्पायरो वीडियो गेम श्रृंखला से स्पायरो उनके लाइव एक्शन कार्य में कॉमेडी किस्म के शो द एज और मिस्टर शो शामिल हैं केनी की प्रशंसाओं में स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट्स और द आइस किंग के रूप में उनकी आवाज के लिए दो डेटाइम एनी पुरस्कार और दो एनी पुरस्कार शामिल हैं उन्होंने साथी आवाज कलाकार जिल टैली से शादी की है जो स्पंज बॉब स्क्वेर पैंट्स में कैरेन की भूमिका निभाती हैं और उनके दो बच्चे हैं जीवनी प्रारंभिक जीवन और स्टैंड अप कॉमेडी थॉमस जेम्स केनी का जन्म 13 जुलाई उन्नीस को सिरेक्यूज न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका पालन पोषण वहीं हुआ उनके माता पिता थेरेसा डोनिगन और पॉल केनी हैं दो तीन एक छोटे बच्चे के रूप में 1960 और 1970 के दशक में उन्हें चित्र बनाना और रिकॉर्ड एल्बम एकत्र करना पसंद था केनी पहली कक्षा में बॉब कैट गोल्डथवेट से मिले और वे आजीवन दोस्त बन गए चार किशोरावस्था के मध्य में उन्होंने स्केने टेलीज में एक ओपन माइक नाइट के लिए एक विज्ञापन देखा जिसमें हास्य अभिनेता बैरी क्रिमिंस को बियर कैट उपनाम से दिखाया गया था वह और गोल्डथवेट कार्यक्रम में गए और क्रिमिन्स को श्रद्धांजलि के रूप में टॉम टॉमकैट और बॉबकैट उपनामों के तहत प्रदर्शन किया जिसके बाद गोल्डथवेट ने बॉबकैट को अपने मंच नाम के रूप में इस्तेमाल किया पांच छह सात केनी की स्टैंड अप दिनचर्या के बारे में बताते हुए गोल्डथवेट ने कहा टॉम वहां जाकर अपने चिकित्सक के बारे में बात करता था और उसके पास कोई चिकित्सक भी नहीं था वह सिर्फ वुडी एलन से प्यार करता था आठ केनी एक कैथोलिक हाई स्कूल, बिशप ग्रिम्स जूनियर बटा सीनियर हाई स्कूल गए नौ कॉलेज के बाद उन्होंने अन्य स्थानों पर जाने से पहले लगभग आठ वर्षों तक देशभर में स्टैंड अप कॉमेडी की साथ टेलीविजन और फिल्मी करियर यह भी देखें टॉम केनी की भूमिकाओं और पुरस्कारों की सूची केनी ने कई फिल्मों और टीवी शो में अभिनय किया है हाउ आई गॉट इंटू कॉलेज उन्नीस सौ नवासी से शुरुआत की और बाद में शेक्स द क्लाउन दस उन्नीस सौ इक्यानवे और कॉमिक बुक द मूवी दो हज़ार चार जैसी फ़िल्मों में दिखाई दिए टेलीविज़न पर वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक की शुरुआत में फ़्राइडे नाइट वीडियो के म्यूजिक न्यूज़ खंड की मेज़बानी करते थे वह स्केच कॉमेडी शो द एज में दिखाई दिए जो उन्नीस सौ बानवे से उन्नीस सौ तिरानवे तक फॉक्स पर प्रसारित हुआ और मिस्टर शो जो उन्नीस सौ पंचानवे से उन्नीस सौ अट्ठानवे तक एचबीओ पर प्रसारित हुआ शो में दोनों भूमिकाएं एक नियमित कलाकार के रूप में थीं। वह स्पॉब्सक्वे यरपैट के लाइव एक्शन सेगमेंट में पैची द पायरेट के रूप में दिखाई देते हैं आरल स्टाइन के द हॉन्टिंग ओवर द सीरीज के सीजन चार एपिसोड में दिखाई दिए अंकल होवी अंकल होवी के रूप में एक हाई एनर्जी किड्स शो होस्ट करते हैं अजीब शक्तियां ध्वनि अभिनय किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें जीवित व्यक्तियों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए खासकर यदि संभावित रूप से अपमानजनक हो स्रोत ढूंढें टॉम केनी समाचार समाचार पत्र किताबें विद्वान जेएसटीओ नवंबर 2023 हज़ार तेईस जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है 2015 फ्लोरिडा सुपरकॉन में केनी केनी ने कहा कि वह किसी कारण से बहुत सारे मीठे पीले पात्रों को आवाज देते हैं ग्यारह उन्होंने स्पंज बॉब की आवाज को एक बच्चे और एक वयस्क के बीच की आवाज के रूप में वर्णित करते हुए कहा स्टैन लॉरेल, जेरी लुईस जैसे बच्चे आदमी के बारे में सोचें एक मंचकिन की तरह लेकिन पूरी तरह से नहीं एक बच्चे की तरह लेकिन नहीं टीवी शो में चार्ली ब्राउन बच्चे की आवाज में बारह जो मरे ने लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में एक कास्टिंग कॉल में रॉको के मॉडर्न लाइफ के लिए आवाज अभिनय भूमिकाओं के लिए केनी का ऑडिशन लिया तेरह एक अवसर पर निर्माताओं ने केनी को चार्ली एडलर की भूमिका निभाने के लिए कहा जो अनुपस्थित थे उन्होंने निकलोडियन शो द फेयरली ऑड पेरेंट्स के लिए क्यूपिड को आवाज़ दी है चौदह जो मरे ने अपने अन्य प्रोजेक्ट कैंप लाजलों में स्काउटमास्टर लंपस और स्लिंकमैन के रूप में कई भूमिकाओं के लिए केनी को चुना क्योंकि रॉको के मॉडर्न लाइफ के लिए केनी के पिछले काम को देखने के बाद मरे को लगा कि केनी अपनी भूमिकाओं में लेखन जोड़ते हैं और बहुत कुछ लाते हैं पन्द्रह उन्होंने कैट डॉग में डॉग को आवाज दी साथ ही क्लिफ को भी आवाज दी उन्होंने द पावर पफ गर्ल्स में कई पात्रों को आवाज दी है जिनमें मेयर नरेटर मिच मिशेलसन, गैंग्रीन गैंग के स्नेक और लिटिल आर्टुरो रेनबो द क्लाउन आदि शामिल हैं उन्होंने फॉस्टर होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स डॉक्टर में एडवार्डो और कई अन्य पात्रों को आवाज दी है पीबीएस किड्स शो वर्डगर्ल में टू ग्रेन और कोडनेम किड्स नेक्स्ट डोर में खलनायक नाइटब्रेस कॉमन कोल्ड और मिस्टर विंग केनी 2004 की टीवी श्रृंखला द बैटमैन में पेंगुइन है उन्होंने रिक और मोर्टी में स्वैची के किरदार को आवाज दी 16 2014 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में केनी वह ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड टीवी शो में कई भूमिकाएं निभाते हैं इस श्रृंखला में उन्होंने जिन कुछ पात्रों को आवाज़ दी है वे हैं स्टार स्क्रीम और उनके क्लोन आईजैक सुमदैक और वास्पिनेटर केनी ने एनिमेटेड शो जियाओलिन शोडाउन के साथ साथ लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला में ऑटोबोट स्किड्स और भीली के कई पात्रों को भी आवाज दी दिल्बर्ट पर केनी ने रैटबर्ट अशोक दिलबर्ट शॉवर और कुछ छोटे पात्रों को आवाज दी उन्होंने बच्चों के एनिमेटेड शो सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपर फोर्स गो में मिस्टर हैल की सन की भूमिका निभाई 2009 में केनी फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला सिट डाउन शटअप में नियमित कलाकार की आवाज बन गए वह मोहम्मद सबी है पीफा आचनुबार गुप्त संरक्षक जो आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा है और साथ ही है पी के दुभाषिया की आवाज देता है श्रृंखला का प्रीमियर 19 अप्रैल 2009 को हुआ केनान थॉम्पसन, क्रिस्टिन चेनोवैथ जेसन बेटमैन निक क्रोल चेरी ओटेरी हेनरी विंकलर विल आर्नेट और विल फोर्टे अन्य मुख्य कलाकार हैं सत्रह वह एडवेंचर टाइम में आइस किंग और मैजिक मैन की भूमिका निभाते हैं 2011 में केनी ने विनी पूह में केन सेंसम से खरगोश की भूमिका संभाली 2012 से 2014 तक केनी ने कॉमेडी सेंट्रल के ब्रिकलबेरी में बुडी जॉनसन को आवाज़ दी उन्होंने कार्टून नेटवर्क कार्यक्रम मिक्सल्स में विभिन्न पात्रों कार्टून नेटवर्क कार्यक्रम क्लेरेंस में सुमो हेनरी हग्गल मॉन्स्टर में डैडो द अल्टीमेट स्पाइडर मैन में डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस और माइल्स फ्रॉम टुमोरोड में लियो कैलिस्टो को आवाज दी उन्होंने बेस्ट बाय क्रिसमस स्पॉट के लिए एक योगिनी के रूप में अठारह एक्सपीरियन डीसी डगलस के साथ एक टॉकिंग मॉडर्म के रूप में उन्नीस और यूट्यूब वेब श्रृंखला टॉकिंग टॉम एंड फ्रेंड्स में टॉकिंग हैंग के लिए टेलीविजन विज्ञापनों में भी आवाज दी है बीस वीडियो गेम में केनी को स्पायरो द ड्रैगन की आवाज के रूप में जाना जाता है जिसने पिछले आवाज अभिनेता कार्लोस अलाजराक्वी की जगह ली है उन्होंने पहली बार स्पायरो दो रिप्टोरेज में स्पायरो को आवाज दी और स्पायरो ए हीरोज तेल तक चरित्र को आवाज देना जारी रखा जहां उनकी जगह जेस हरनेल ने ले ली उन्होंने श्रृंखला में एक अन्य पात्र सार्जेंट को भी आवाज दी जेम्स बर्ड स्पायरो ईयर ऑफ द ड्रैगन में 21 उन्होंने स्पायरो रिग्नाइटेड ट्रिलॉजी में दोनों भूमिकाएं दोहराई जो मूल स्पायरो ट्रायलॉजी के आधुनिक रीमेक का एक संग्रह है बाईस उन्होंने तीन उन्नीस सौ सत्तानवे में क्रैश बैंडिकूट को लाइव आवाज दी और कार्लोस अलाजराक्वी के साथ प्रदर्शन को बदल दिया तेईस केनी खुद और उनके इन गेम कैरेक्टर हकरा द मैत्रेडी ऑफ वर्चुअस हार्मनी दोनों के रूप में क्वेस्ट पर एक अतिथि कलाकार थे चौबीस उन्होंने डक टेल्स के 2017 संस्करण में फेथरी डक को भी आवाज दी 2022 में उन्होंने गुइलेर्मो डेल टोरो के पिनोचियो में बेनिटो मुसोलिनी और अन्य पात्रों को आवाज दी केनी ने 2023 हजार तेईस स्पिनऑफ श्रृंखला एडवेंचर टाइम फियोना एंड केक में आइसकिंग के रूप में अपनी भूमिका दोहराई स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट मुख्य लेख स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट 2010 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केनी एनिमेटेड श्रृंखला रॉको मॉडर्न लाइफ पर काम करते समय केनी की मुलाकात समुद्री जीव विज्ञानी और एनिमेटर स्टीफन हिलनबर्ग से हुई उन्नीस में रॉको के मॉडर्न लाइफ के रद्द होने के बाद हिलेनबर्ग ने समुद्री विज्ञान में अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर एक महासागर थीम वाली श्रृंखला के लिए अपनी अवधारणा विकसित करना शुरू कर दिया हिलनबर्ग ने कहा कि वह इस शो को अपने पसंदीदा जानवर समुद्री स्पंज पर आधारित करना चाहते थे क्योंकि यह एक अजीब जानवर है एक अजीब जानवर है 25 इस किरदार को आवाज देने के लिए हिलनबर्ग ने उन्नीस में केनी से संपर्क किया स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट्स नामक श्रृंखला का प्रीमियर 1 मई 1999 को निकलोडियन पर हुआ यह जल्द ही व्यावसायिक रूप से सफल हो गई केनी ने शो में कई अन्य किरदार निभाए हैं जिनमें लाइव एक्शन चरित्र पैची द पायरेट और गैरी द स्नेल फ्रेंच नैरेटर जैक्स कॉस्ट्यू की एक पैरोडी और स्पंज के पिता हेरोल्ड स्क्वायर पैंट्स की आवाजें शामिल हैं 2010 में केनी को स्पंज बॉब ट्रूथ और स्क्वायर सीजन छ एपिसोड तेईस चौबीस मिस पंच की भूमिका के लिए टेलीविजन प्रोडक्शन में वॉयस एक्टिंग के लिए एनी पुरस्कार मिला उन्होंने 6 फरवरी 2015 को रिलीज हुई सिक्वल फिल्म मिस पंजबॉब को भी आवाज दी 2018 और 2020 में उन्हें एनिमेटेड प्रोग्राम में उत्कृष्ट कलाकार के लिए डे टाइम एमी अवार्ड मिला छब्बीस 2019 में उन्हें ब्रॉडवे म्यूजिकल स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट्स की लाइव रिकॉर्डिंग में पैची द पायरेट की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया था सत्ताईस व्यक्तिगत जीवन केनी की पहली मुलाकात अपनी पत्नी जिल टैली से उन्नीस सौ बानवे में द एज में काम करने के दौरान हुई थी दोनों ने एक साथ कई प्रस्तुतियों में सहयोग किया है जिसमें स्पंजबॉब स्क्वेयर पैंट्स जिसमें टैली ने कैरिन प्लैंकटन को आवाज दी है भी शामिल है अट्ठाईस वे दोनों द स्मैशिन पंपकिंस के संगीत वीडियो टुनाइट टुनाइट में भी दिखाई दिए उनके दो बच्चे हैं मैक जन्म उन्नीस और नोरा जन्म 2003। हजार तीन दो उनतीस केनीस स्टूडियो सिटी कैलिफोर्निया में रहते हैं तीस संदर्भ मैरी लुइस पार्कर जन्म 2 अगस्त उन्नीस सौ एक एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं उन्नीस में क्रेग लुकास की प्रिल्यूड टू ए किस जिसके लिए उन्हें टोनी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ मेरिटा के रूप में ब्रॉडवे में पदार्पण करने के बाद पार्कर को ग्रैंड कैनियन उन्नीस सौ इक्यानवे फ़्राइड ग्रीन टोमेटोज उन्नीस सौ इक्यानवे दमे फ़िल्मी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि मिली क्लाइंट बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे उन्नीस सौ चौरानवे ए प्लेस फॉर एनी उन्नीस सौ चौरानवे बॉयज ऑन द साइड उन्नीस सौ पंचानवे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी उन्नीस सौ छियानवे और द मेकर उन्नीस सौ सत्तानवे इसके बाद मंचीय और स्वतंत्र फिल्म प्रस्तुतियों में पार्कर को डेविड ऑबर्न के प्रूफ में कैथरीन लेविलिन के किरदार के लिए अन्य प्रशंसाओं के साथ साथ नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 2001 का टोनी पुरस्कार मिला 2001 और 2006 के बीच उन्होंने एनबीसी टेलीविज़न श्रृंखला द वेस्ट विंग में एमी गार्डनर के रूप में काम किया जिसके लिए उन्हें दो में ड्रामा सीरीज़ में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था उन्हें गोल्डन ग्लोब और प्राइम टाइम एमी दोनों प्राप्त हुए 2003 में प्रशंसित एच बी ओटर टेलीविजन मिनी सीरीज एंजल्स इन अमेरिका में हार पर पिट की भूमिका के लिए पुरस्कार पार्कर को टेलीविजन श्रृंखला वीस में मुख्य किरदार नैन्सी बॉटविन के रूप में बड़ी सफलता मिली जो 2005 से 2012 तक चली और जिसके लिए उन्हें 2007 और 2009 के बीच कॉमेडी श्रृंखला में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एम्मी पुरस्कार के लिए तीन नामांकन प्राप्त हुए और 2006 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन श्रृंखला संगीतमय या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया उनकी बाद की फिल्मों में द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स 2008 रेड 2010 आरआईपीडी, 2013 और रेड 2 2013 में भूमिकाएं शामिल हैं पार्कर 2019 में द साउंड इनसाइड में अभिनय करने के लिए ब्रॉडवे लॉट आईं, जिसके लिए उन्होंने एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा टोनी पुरस्कार जीता 2022 में उन्होंने हाउ आई लर्न टू ड्राइव ऑन ब्रॉडवे में लिटिल बिट की भूमिका दोहराई जिसकी शुरुआत उन्होंने उन्नीस में ऑफ ब्रॉडवे से की थी एक प्रदर्शन जिसने पार्कर को अपना पांचवा टोनी नामांकन दिलाया 2007 से पा पार्कर ने एस्क्वायर पत्रिका में लेखों का योगदान दिया है और 2015 में अपना संस्मरण डियर मिस्टर यू प्रकाशित किया है 2017 में उन्होंने एबीसी टेलीविजन मिनी सीरीज वी राइज में गाय के रूप में अभिनय किया प्रारंभिक जीवन पार्कर का जन्म कोलंबिया दक्षिण कैरोलिना में हुआ था वह चार बच्चों में सबसे छोटे थे दो कैरोलिन लुइस नी मोरेल और जॉन मॉर्गन पार्कर जो एक न्यायाधीश थे जिन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा की थी तीन चार पांच अपने पिता के करियर के कारण पार्कर ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा दक्षिण कैरोलिना, तेनेसी और टेक्सास के साथ साथ थाईलैंड जर्मनी और फ्रांस में बिताया छ उन्होंने अपने बचपन को बेहद दुखी बताया यह कहते हुए कि मेरे माता पिता ने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे मेरे पास किताबें कपड़े एक घर और एक गर्म बिस्तर था लेकिन मैं कभी खुश नहीं थी दो उन्होंने टेम्पे एरिजोना में मार्कोस डी निजाहाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की पार्कर ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में नाटक में पढ़ाई की और उन्नीस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की दो अभिनय करियर 1980 का दशक पार्कर ने अभिनय में अपनी शुरुआत सोप ओपेरा रयान होप में एक भूमिका के साथ की 1980 के दशक के अंत में पार्कर न्यूयॉर्क चले गए कुछ छोटी भूमिकाओं के बाद उन्होंने 1990 में क्रेग लुकास के प्रोडक्शन प्रील्यूड ए किसमें रिटा की मुख्य भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे में पदार्पण किया पार्कर ने अपने प्रदर्शन के लिए क्लेरेंस डेरवेंट पुरस्कार जीता और उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया हालांकि जब फिल्म बनी थी तब उन्होंने यह भूमिका नहीं निभाई थी उन्नीस नवासी में वह एड्स महामारी के उद्भव और विनाश के बारे में कैम्प बेल स्कॉट ब्रूस डेविसन और डरमोट मुलरोनी अभिनीत फिल्म लॉन्गटाइम कंपेनियन में थी दिसंबर 2006 में पार्कर ने अभिनेता जेफरी डीन मॉर्गन के साथ डेटिंग शुरू की जिनसे उनकी मुलाकात वीड्स के सेट पर हुई थी इकतीस बारह फरवरी 2008 को पार्कर और मॉर्गन ने अपनी सगाई की घोषणा की बत्तीस जो अप्रैल 2008 में टूट गई तैतीस सितंबर 2007 में पार्कर ने इथियोपिया से एक बच्ची कैरोलिन एबर्श पार्कर को गोद लिया 34 पैंतीस दो में पार्कर को होप नॉर्थ के साथ उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था जो एक संगठन है जो युगांडा के गृह युद्ध में युवा पीड़ितों की शिक्षा और उपचार में काम करता है युगांडा के गृह युद्ध के एक पूर्व पीड़ित से मिलने के बाद अभिनेत्री ने संगठन के साथ अपनी भागीदारी शुरू की छत्तीस पार्कर अपने दो बच्चों के साथ ब्रुकलिन हाइट्स में रहती है सैतीस पार्कर भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं वह कहती है मैंने हमेशा भावातीत ध्यान के बारे में सुना था और मैंने सोचा शायद यही मेरे लिए वापसी का रास्ता है मैंने टीएम सीखा और इसने सब कुछ बदल दिया अड़तीस वह टॉम हैंक्स के साथ डेविड लिंच फाउंडेशन द्वारा पोस्ट क्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अनुभवी पीड़ितों के लिए आयोजित एक चैरिटी डिनर में भी भाग लेती हैं उनतालीस फिल्मोग्राफी तो ये एक दे, एक तरह से कॉमेडी मूवी होने वाली है और 12 अप्रैल हो जा चुकी है ये हमें देखने को मिली क्योंकि वैसे तो कई मूवीज़ देखने को मिल है लेकिन किड्स के लिए स्पेशल ये हमें देखने को मिल रही है दोस्तों इसका एक तरह से प्रोडक्शन किया है यूनिवर्स एनिमेशन स्टूडियोज और यूनिवर्स वन फोर फोर जीरो एक तरह एंटरटेनमेंट द्वारा बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो संभाला है ओ टी टी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटफ्लिक्स ने किया है तो ये हमें इंडिया के अंदर हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इसके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता दी है जितनी भी डिटेल हमारे पास प्रोवाइड थी वो मैं आपको बता चुका हूँ तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भलाई दबा के साल पर कर लीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही